तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में, जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं, वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीज़न ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना, तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना, वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं, वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज वो डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा, यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से, जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्राइम व्यवस्था लागू की गई है, एनहेंस्ड सैनिटेशन, लोअर स्टेप सप्लाईज और बैरिकेडिंग ऑफ द एरिया, सो दैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन स्प्रेड होने की कोई संभावना ना रहे, ये व्यवस्था हमारी।